हाय व्यूअर्स, इट्स मी ज़ुब्दा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि हम लोग सारे ही जो थे वो बीमार थे। अभी भी मतलब है एपी को, जोल को, रोशनी को, सभी को जो है स्टफीनोज और नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ है, बुखार भी हुआ है। यस, यू कैन से हाय। हाय हाय। तो आज हम लोग आए हैं मॉल। मैंने कहा चलें मॉल चलते हैं और मॉल आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मॉल, मतलब यहाँ के मॉल कैसे होते हैं। ठीक है, तो साथ रहिएगा। मिल्का और टोनी भी आए हुए हैं और वो मॉल के अंदर है, तो चलें आपको चल के दिखाती हूँ। तो जी, ये है बिग पार्किंग लॉट। ये आप ये कह लें कि मेरे ख़्याल कोई 3-4 एकड़ में, शायद इससे भी ज़्यादा, अगर मुझे मतलब इतना पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ह्यूज पार्किंग लॉट है और इसकी 3-4 जो हैं मंजिलें हैं। और ये पुल जो आपको नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पे, ये पुल दूसरे लेवल पे पार्किंग लॉट में जाता है और ये सड़क क्रॉस करनी पड़ती है। और तब जो लोग सड़क क्रॉस नहीं करना चाहते, वो यहाँ पे लिफ्ट भी अंदर लगी हुई है, वो लिफ्ट के ज़रिए दूसरी तीसरी मंजिल पे जा सकते हैं मॉल के। और अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप इस सड़क को क्रॉस करें और ये दरवाज़ा है इसके। इसकी इस मॉल, ये मॉल इतना बड़ा है कि इसकी कोई 7-8 से भी ज़्यादा, आप ये कह लें कि मैं अनगिनत कहूँगी कि उसकी एंट्रेंस है, क्योंकि हर शॉप के ज़रिए आप इस मॉल में दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि हर शॉप का दरवाज़ा, हर शॉप नहीं लेकिन जो शॉप्स जो हैं साइडों पे हैं, वो आपको इसके अंदर लेके जा सकती हैं मॉल के। तो हम लोग मेन दरवाजे से एंटर हुए थे और ये जो साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रॉली सी लगी हुई थी, इधर से आप ट्रॉली जो है रेंट पे ले सकते हैं और बच्चों को बिठा के आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। ये है जी डायरेक्टरी, जो आपको, अगर आपको किसी भी शॉप में जाना हो, किसी भी शॉप का पता करना हो, तो आप इसको चेक करें। यहाँ से आप रास्ता भी देख सकते हैं, वो आपको बताएगा कि पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल जहाँ पे भी आप वो शॉप होगी, आप आसानी से जा सकते हैं। तो मॉल में एंटर होते ही दुकानें जो हैं, शॉप्स, मॉल, सब कुछ शुरू हो जाता है और आप जिस शॉप में जाना चाहें आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन ये मॉल इतना बड़ा है कि आप ये कह लें कि एक शॉप से निकल के दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। ये सामने जो नज़र आ रही है, ये परफ्यूम्स हैं, उन्होंने स्पेशल परफ्यूम शॉप बनाई हुई है। हर ये एथनिक है और ये स्पेशल, मुझे ऐसा लग रहा था ये कोई नेपालियन है जिनकी ये ना कपड़ों की शॉप है, स्पेशल उन जैसे कपड़े लग रहे थे। मैं हर दफ़ा देखती हूँ लेकिन आज तक मैं कभी इस शॉप के अंदर नहीं गई क्योंकि शायद हम लोग ये पहनते नहीं हैं। इसका तो मैंने हालोवीन, ये जो है ना स्पिरिट हालोवीन, इसका तो ज़रूर आपको जो है ना एक विज़िट कराऊंगी, अपनी सालगिरह से भी पहले और हालोवीन आने से पहले पहले भी। तो ये एक नई शॉप खुली है यहाँ पे, रेस्टोरेंट आप कह लें कि उन्होंने खाने का एक जो था ना कैफेटेरिया सा बनाया हुआ था। तो मैं भी काफ़ी देर के बाद आई थी और ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स, हर चीज़ जो है यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ से अंदर आए तो ये देखें जी, GNC लेवल 12। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगी आपकी सारी वो जो होती है ना प्रोटीन पाउडर, और जिम से मुतलिक लोग के लोग खाते हैं ना विटामिंस या कोई स्पेशल वो लेते हैं फूड या कोई भी सप्लीमेंट वगैरह, तो ये हैं। यहाँ पे जी है ये आंटी एनी, ठीक है, ये आंटी एनी का फूड भी बड़ा ही मशहूर है। ये हैं और ये है हॉलीडे डाइव इन एलिगेंट सीजल डेकोरेट। इस जगह पे कैलेंडर टॉयज गेम्स पे पहले होता था डिज्नी का छोटा सा स्टोर, बड़ी सहूलत थी, बच्चे ना खेलते रहते थे, लेकिन अब जो है खेल नहीं सकते। ये देखें जी, ये है जी माइकल कोर्स ब्रांडेड ब्रांड जो है ना, तो इसकी भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी यहाँ पे माइकल कोर्स की चीज़ें जो है वो कितनी कितने में होती हैं। मिल्का है, मिल्का जस्ट कर देते हैं एक मिनट, मिल्का मिल गई है। और ये देखें, ये है, आज है मतलब ना छुट्टी का दिन है ना,
तो पता नहीं मैं कब पोस्ट करती हूँ, रॉयस चॉकलेट रॉयस चॉकलेट ये डायमंड स्टोर है और इनका डायमंड भी जो है बड़ा मशहूर है। ये भी मतलब सारी जो है मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने आपको छोटा सा पहले क्लिप दिखाया हुआ था कि ये है ना, और ये पेंडोरा ये भी डायमंड मतलब ना ज्वेलरी की शॉप है। मिल्का आवाज़ मार रही है हमें, देखें। यस हाय, ये देखें ये है जी, कोई सैम्पलिंग दे रही है, ठीक है, नामा चॉकलेट पाइप्स। सो काफ़ी किस्म की जो हैं वो चॉकलेट्स हैं, और ये हालोवीन पाईजान है, ये पम्पकिन। थैंक यू, It's a milk chocolate with a strawberry. Milk chocolate with strawberry? You want it? Okay. Oh, you can add a little bit though. Okay. Chocolate that you eat had 1% of flavor in it. 8% alcohol. Mazegiya. Acha. Ye hai Morphe. Aur ye hai Sephora. Theek hai. सबरास्त की, इसकी भी आपको जो है ना स्पेशल मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी। एक दिन में जो है वो मैं सब कुछ आपको नहीं दिखा सकती, यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और ये है जी पिंक विक्टोरिया सीक्रेट, यहाँ के अंडरगारमेंट्स और लेडीज़ सब कुछ जो है ना वो बहुत अच्छा है और बहुत ही महंगा भी होता है। बिल्ड एंड बियर वर्कशॉप, के ज्वेलर्स, ये मॉल में शॉप्स लगी होती हैं, तो यहाँ पे आप ग्लासेस के कवर और मोबाइल के कवर्स ये ले सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक एंट्रेंस है, इसकी को पता नहीं, कुछ काफ़ी सारी एंट्रेंस हैं। ये है मैक, यहाँ पे मेकअप मिलता है, और अगर आप $50 की शॉपिंग करें तो आपका मेकअप जो है वो फ्री होता है। और ये भी एक शॉप लगी हुई है, इसके दरमियान में लोग जो हैं जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होते हैं मॉल्स में, इस तरह उन्होंने भी यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स अपनी खोली होती हैं। ये है जी स्केचर्स ब्रांड, और ये है ड्रेस इन लव। चलें आपको छोटी सी ये ड्रेस इन लव की झलक दिखाएं, कितना प्यारा लग। ओह वाओ, आर यू हैविंग फन एवरी, फॉलो योर ड्रीम। प्लीज लुक एंड एवरी यू वर सिटिंग। ये थी जी एक शॉप, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और मिल्का मुझे लेके गई तो वहाँ पे एक झूला सा भी लगा हुआ था, तो बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि झूला लेने के कितने शौकीन होते हैं। तो अभी जो थी ना वो फटाफट जाके ना तो वहाँ पे बैठ गई, हालांकि उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था डू नॉट सेट, तो हमने बाद में उसको बताया था कि यहाँ पर बैठना नहीं है। लेकिन ये शॉप जो थी, आप ये कह लें कि वेस्टर्न स्टाइल से उनके शूज़ और गारमेंट्स जो थे, कपड़े जो थे उनके मैक्सी स्टाइल और सारी उस तरह के कपड़े थे, कोई पाकिस्तानी या किसी और कल्चर के जो मतलब ईस्टर्न स्टाइल के नहीं थे, वेस्टर्न स्टाइल के ये शॉप थी। और यहाँ पे कपड़े मिल रहे थे, कपड़े सारे ही अच्छे थे, शादी ब्याह में मतलब जो भी अमेरिकन स्टाइल के कपड़े पहनना चाहता है वो यहाँ से ख़रीद सकता था। यहाँ पे नाइटीज़ वगैरह और जो थे जिम सूट सारे जो थे ना यहाँ पे लगे हुए थे, और यहाँ पे सेल भी एक्चुअली मैंने देखी थी कि लगी हुई थी $15 में ना यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे थे। ये है जी डबल एक्स आई शॉप, यानी फॉरएवर भी इसको कहते हैं, फॉरएवर 24, तो इसका भी आपको मैं विज़िट कराऊंगी, पूरा विज़िट कराऊंगी। और यहाँ पे मछलियाँ टॉफियाँ सारा कुछ लगा हुआ है, ये देखें जी गमीज हैं, शॉप है, और पॉलिएस्टर कैलिफोर्निया, ओके, ये भी कपड़ों की शॉप है। मोर चॉइस फॉर फोन, यहाँ पे फोन्स, डॉक्टर मार्टिन्स, ये शूज़ की शॉप है,
ये एक छोटी सी शॉप है ज्वेलरी की, वॉच की। ये भी है एक शॉप, ये है H&M, वो है जी JCPenney। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी होती हैं, गेम्स भी होती हैं, और बच्चों के झूले लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे व्हील्स वाले इलेक्ट्रिकल ये जो होते हैं बियर्स वगैरह कार्स वगैरह रखी होती हैं। तो जोल जो था वो काफ़ी ना वीक फील कर रहा था अपने आप को, उसका नोज़ जो था ये रनी नोज़ जो था वो काफ़ी बह रहा था। तो मैंने रिक को कहा कि आप इसे वापस ले जाओ, और फिर हम लोग यहाँ पे ना आइसक्रीम लेने के लिए खड़े हो गए। तो मैंने कहा मैं चले आपसे ये भी शेयर करती हूँ कि ये यहाँ की बड़ी स्पेशल आइसक्रीम होती है और आपकी नज़रों के सामने बनाई जाती है फ्रेश फ्रूट के साथ। आप उनको कह सकते हैं कि जी मुझे ब्लूबेरीज़ की चाहिए, स्ट्रॉबेरी मिक्स, एप्पल, मैंगो, जिस चीज़ की भी आपको आइसक्रीम चाहिए। सॉरी मेरा गला अभी भी जो है ना थोड़ा सा है ख़राब। तो जिस किस्म की भी आइसक्रीम आपको चाहिए वो आपको उसी वक्त आपकी नज़रों के सामने बना के देंगे। तो ये ऐसी मशीन है कि इतनी ज़्यादा ठंडक होती है नीचे कि फ़ौरन आइसक्रीम जो है ना जम जाती है और आप अपनी मर्ज़ी की आइसक्रीम जो है वो खा सकते हैं। तो जी हमने सिर्फ 2 पैक लिए थे तो वो $19 के जो थे ना बने थे। तो ये बड़ी अच्छी थी, चलें बच्चों के लिए इंजॉयमेंट होती है थोड़ी सी जब मॉल में आए हों। तो स्पेशली बच्चों को ये होता है कि नहीं जी हमें कुछ खाने के लिए दें या हम कुछ खाएं पिएं भी। तो मिल्का की कज़न टोनी की कज़न जो थी ना वो भी साथ में आई हुई थी, तो स्पेशल वो ही हमें जो थी ना वो मुझे लेके गई थी सारी जगह पे, क्योंकि रिक जो थे वो तो वापस चले गए थे। और फिर मिल्का ने जो था वो ऑर्डर की थी अपनी चीज़ केक आइसक्रीम विद स्ट्रॉबेरी। तो ये उसने पहले जो था आइसक्रीम के लिए वो जो भी शेक इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा चीज़ केक डाला और स्ट्रॉबेरी डाली और नज़रों के सामने जो है आइसक्रीम बनाते हैं। तो बड़ा सफाई का ख्याल होता है, उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं और हर चीज़ को जो था मैं देख रही थी वॉच कर रही थी कि बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उसने उसको सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल है। इवन कि उन्होंने वो जो चिमटे होते हैं फॉन्ट इन्हें कहते हैं वो पानी में डिप किए हुए थे ताकि वॉश होते रहें बार बार, ग्लव्स वो चेंज करता था बार बार। और ये देखें आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है, अब वो इसको कप में डालेगा और सर्व कर देगा। तो ये देखें साइड पे कप पड़े हुए थे पानी में, जो पानी से उसने निकाला है फॉन्ट निकाला है और ये जो है आइसक्रीम आपको दे दिया। तो मिल्का ने मेरे ख्याल उसे कहा था कि गमी बियर्स और M&M's, एक ने कहा था M&M's और एक ने कहा था कि गमी बियर्स जो है ना वो हमें चाहिए। तो एबी खुश हो जाती है, आपको पता है कि एबी जो है बस उसको ये होता है कि नहीं मुझे स्पेशल जो चीज़ है ना मेरे लिए वो वाली मिले मुझे। दिस इज आवर, यू डोंट नीड टू आइसक्रीम, लेट्स गो। ये थी जी मेरी छोटी सी कोशिश जो मैंने एक वीडियो बनाई और आपको यहाँ का मॉल दिखाया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप यहाँ पे किस जगह की सैर करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वहाँ पे जाकर वीडियो बनाऊँ और आपको वो चीज़ें दिखाऊँ या किसी भी मॉल शॉप की, वो मेरे लिए भी जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, कल मिलूंगी नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।